मैम कैसे आप इनका घुटने का दर्द ठीक करोगे मैम? सर गर्म पानी करके, गर्म पानी में ये फिटकरी डाली है और हाँ, तब हमने ये दवाई लगानी है। कौन सी दवाई है मैम ये? ये सर नीगिरिस है। रुद्रा हाँ जी, की रुद्रा नीगरी की है। नीगिरिस एक बार है। मैम करके दिखाना मैम ठीक है किस सर, तरह से करेंगे। ये देखिए गर्म पानी हमने कर लिया है और इसमें पानी और फिटकरी भी डाली है इस पानी से। मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए पहले घुटना साफ करें फिटकरी हाँ जी से, सर, गर्म और पानी मैम से कितना गर्म करना है बस इतना सर, जितना मतलब कि सहन सहन हो सके। हाँ हो सके, जी, ज्यादा गर्म नहीं करना। नहीं ज्यादा नहीं करना तो क्योंकि जैसे ज्यादा तो घुटना सहन साफ नहीं करने होगा। के बाद इसको सुखाना है? हाँ जी, साफ हो सर। हाँ, हाँ चलिए जी, साफ हो सुखा गया, के। ठीक है हाँ मैम। जी, ये फिर नीग्रेस लगानी है। मैम कितनी मात्रा में लेना है इसको? थोड़ा सा ही, हाँ जी सर, थोड़ा सा ही लेनी है। ये इस तरह से। हाँ जी, और इसके ऊपर कुछ बांधना है या मैम कुछ कपड़ा ओढ़ना है? नहीं सर, बांधना नहीं है, बस इसको ढक के लेट जाना है। ढक के लेट हाँ जाना जी, है। हवा नहीं लगने देनी, इसके नीचे भी लगानी है सर। माता जी आपका कहना था कि आपको कुछ ही दिनों में आराम हो गया, और इतनी आपने दवाइयां खा ली तब भी आराम नहीं हुआ आपको? हाँ, मैंने तो पहली बार ही दवाई खाई थी एक दिन, उस दिन से मेरे को आराम आ गया है। दोस्तों ये किसी भी तरह की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि माता जी से हमने खुद पूछा, इसके इनके परिवार से पूछा, इतनी दवाइयां ये ले चुकी थी, चंडीगढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, पेन किलर भी काम करना बंद कर गई थी। आप देखिए छोटा सा इलाज है, कोई बहुत बड़ा, कोई महंगी दवाई नहीं है, ये दवाई है रुद्रा का नी ग्रीस है ये। तो कितने दिन में आराम आया आपको माता जी? मेरे को तो आ गया था, जैसे गोली खाई शाम को, दवाई लगाई।